शक्ल दिखा दे एक बार। आजकल मैं ऐसे आया हूँ जिनमें What is up, crazies? Welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine and safe. So guys, आज डेट है 7th October और टाइम हो रहा है भाई सुबह के 11:30। भाई मेरी आंखें थोड़ी सी ऐसी हो रही हैं, मैं जस्ट अभी भी सो के उठा हूँ और आज के दिन हमारे घर में है श्राद्ध। भाई शेरा भौंक रहा है क्योंकि उसको एक रूम में बंद कर दिया गया है और अभी चलते हैं बाहर। सबसे पहले आज आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा, वैसे आज मम्मी गई नहीं है और मम्मी इस समय किचन में खाने वगैरह की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी वगैरह आने वाले हैं। चलते हैं, थोड़ा सा उन्हें परेशान करते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। आपको पूरी की सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं अगर हो पाया तो, कि मम्मी ऐसे मेरे को गर्म तेल की कढ़ाई के पास नहीं आने देती। जैसे एक सेकंड रुको, सो गाइस इस टाइम मैं पी रहा हूँ लस्सी किचन में बैठ के, कोई मिट्टी गिलास में देखो, और पीछे से कर रही है पूड़ियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे घर में श्राद्ध है। और ये देखो ये मेरी मम्मी, मम्मी हाय बोल दो। मम्मी आज स्कूल नहीं गई हैं और मम्मी पूड़ियाँ सीख रही हैं, मतलब तल रही हैं। अभी का सीन यही है, बाकी जैसा होता है आपको आगे आगे चल के दिखाते हैं। नहीं सही आई है, चलेगा। हाँ मैं निकाल लूँगा। मम्मी कॉन्शियस हो गई, फोटो कैसी हो, वीडियो कैसी आई है। हाँ हाँ नेक्स्ट लेवल धोखा, घेवर के डिब्बे में मरती। What is this? So guys, अभी मुझे मिला है टास्क, मुझे ये प्रसाद की प्लेट मुझे गौ माता को खिलाने जानी है और इसमें है अरबी और पनीर की सब्जी का झोल, पूरी, कचौड़ी, काजू की सब्जी, इमरती, आलू की सब्जी, वो जो भंडारे में मिलती है वाली, और दूध पकौड़ी, खीर और कचौड़ी भी है शायद। हाँ कचौड़ी भी है, मतलब ये सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं गौ माता को ढूंढते हैं। माते कहाँ हो आप, और खिला के आते हैं। पीछे शेरा भाई साहब भौंक रहे हैं, लेट्स गो फाइंड गौ माते। सो गाइस टास्क डन। सीन ऐसा था कि गौ माता गई हुई थी स्नान करने, तो जो गौ माता को रखती हैं उनको हमने दे दिया। उन्हें बोला जब गाय आ जाएगी शाम को वो तब खिला देंगी उन्हें, तो यही है। अभी चलते हैं घर के अंदर, गर्मी हो रही है भयंकर वाली, बैठेंगे आराम करेंगे एंड लेट्स वेट फॉर पंडित जी, कब आते हैं वो। सो दैट इज इट फॉर नाउ, बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस मैं जस्ट अभी खाना खा के अपने रूम में आया हूँ। मेरे को छोटा सा एक काम करना था, जो मेरे चैनल का पहला वीडियो आने वाला है इन्फॉर्मेटिव डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेरे को उसका फाइनल व्यू करना था। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 2:24, तो अभी उसका फाइनल व्यू लेते हैं और उसको आई एम जस्ट गोना पोस्ट इट आफ्टर वॉचिंग इट फॉर वंस एंड फाइनल टाइम, कि कोई कुछ और कमी वगैरह नहीं रह गई है। इस व्लॉग से बहुत पहले आप वो वीडियो देख चुके होंगे और जिसने भी नहीं देखा है भाई, मैं नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके देखो। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना आपके क्या क्या व्यूज हैं, आपके जो जो डाउट्स हैं प्लीज, और किसी के ना किसी के साथ शेयर जरूर करना जिसके साथ आप चाहते हो। और भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई अब तो कर दो, इतना मस्ती कौन दिखाता है आपको अपनी डेली लाइफ में, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी आप अगर चाहते हो मैं आगे भी किसी ना किसी ऐसे किसी टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू टेल मी द रिलेटेड टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, जल्द से जल्द बनाऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल गाइज। बाकी अभी का सीन यही है यार, मैं थोड़ा सा इसके काम खत्म करता हूँ, आई एम जस्ट गोना अपलोड इट द वीडियो, बाकी जो भी होता है जैसे भी होता है आगे का सीन हम ब्लॉग में ही कवर अप करेंगे। सो गाइज जैसा कि होता है श्राद्ध में डॉगी का भी खाना निकलता है, अब डॉगी तो हमारे घर में ही है तो हम बाहर क्यों दें डॉगी को, वैसे मैं बाहर भी खिलाता हूँ डॉगी इसको, बट स्टिल डॉगी तो हमारे घर में है, देखो कितना क्यूट सा डॉगी है, ये लो डॉगी खा लो भाई, ले गया देखो प्यार से बैठ के खाएगा, शेरू ईट कर लो। सो गाइस हम लोग जिम में आ चुके हैं और आज के हम हो गए जिम आने में लेट, मेरे साथ सुधांशु आई हैं, ये देख नहीं पा रहे क्योंकि मैंने कैमरा रख के ब्लॉक कर रहा हूँ,
अर्पित भी था पता नहीं कहाँ गया, जिमाने में लेटिव से हुए क्योंकि आज घर पे था श्राद्ध और आज के हमारे सिर्फ कार्डियो का सेशन। मैं सिर्फ टॉल अपना शेखर और हेडफोन लेके आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. So guys, अभी मैं आया था आलम्बिया की शॉप पे, ये माना बुक डिपो के जस्ट बगल में न्यूट्रिशन हाउस करके है आलम्बिया की शॉप है, और आलम्बिया ने मेरे को कुछ दिया है। मेरी उस दिन ट्रॉफी रह गई थी, मैंने जैसा आपको बताया था, ये मैं आपको दिखाऊंगा घर पे जाके जहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। फिर अभी चलते हैं आलम्बिया के पास से घर, एंड जो भी होता है बाकी का घर पे जाके अपडेट करेंगे। मेरी ये गेस्ट ऑफ ऑनर वाली ट्रॉफी रह गई थी, इसको घर पे चल के दिखाते हैं और इंस्टा स्टोरी भी अपनी अपडेट करते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं घर पे। सो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ। आई नो ये ब्लॉग छोटा रह जाएगा क्योंकि आज के दिन कार्डियो सेशन था, कुछ ज़्यादा आपको दिखाने के लिए नहीं था, बट स्टिल एज प्रोमिस्ड ये वो ट्रॉफी है जो मेरे को AFBBA की तरफ से मिली है। गेस्ट ऑफ ऑनर की ट्रॉफी है, आगरा फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन मिस्टर आगरा मंडल एंड मिस्टर जूनियर आगरा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप 23 सितंबर को, जो मैंने अपने व्लॉग में भी कवरअप किया था। 23 सितंबर के व्लॉग में ये चीज़ मैंने डाली है, जो कि मैंने 24 की शाम 5 बजे पोस्ट किया था। गेस्ट ऑफ ऑनर ऑर्गेनाइजर महफूज आलम सर, जो कि आलम भैया के बड़े भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी AFBBA आगरा फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट UPBBFA उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन। आप लोग ये देख सकते हैं, ये ऐसी दिखती है कुछ। स्पेशल थैंक्स टू आलम भाई एंड एवरीवन एल्स एंड जितने भी आगरा फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, थैंक यू सो मच। विद दैट सेट, अगर ब्लॉग छोटा रह गया होता आई एम रियली सॉरी टू यू ऑल गाइज, पर यार कार्डियो सेशन में क्या दिखा था, बाकी आज घर में भी काफ़ी बिजी था। विद दैट सेट, खत्म करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पर। इसी के साथ हंसते रहो, मुस्कराते रहो एंड खूब सारी खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, चलते चलते। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मेरा नया वीडियो डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स का आ चुका है, नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करो। खूब सारा प्यार आप सभी को, बाय बाय।